हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। डेटा एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन बोथ क्या है? ओओपी की बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको पिलर भी बोला जाता है ओओपी का। तो फिर एनकैप्सुलेशन मतलब कि क्या, आपका जो डेटा है एंड फंक्शंस है उसको एक यूनिट में रख दो। सो, क्या होगा, वो यूनिट्स के बाहर जो भी डेटा होगा वो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एनकैप्सुलेशन का? एनकैप्सुलेट करना है आपको, एक यूनिट के अंदर डाल देना है। तो क्या करोगे आप, आपका जो भी डेटा है एंड फंक्शंस है, आप एक यूनिट के अंदर उनको रैप कर दोगे। ठीक है, सो डेटा एनकैप्सुलेशन मीन्स वॉट? द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट। और वो यूनिट को क्या बोला जाता है? क्लास, कॉल्ड एज क्लास, इज नोन एज वॉट? डेटा एनकैप्सुलेशन। ये हो गई डेटा एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन। यहाँ पे क्या किया आपने, डेटा एंड फंक्शंस को एक यूनिट में रैप किया, और वो यूनिट को क्या बोला जाता है? क्लास। तो फिर क्या हुआ, जो भी आपका डेटा है वो आउटसाइड दिस क्लास कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। तो ये डेटा को कौन एक्सेस करेगा? ओनली द फंक्शंस रिटन इनसाइड दिस क्लास। ये क्लास के अंदर आपने जितने भी फंक्शंस लिखे हैं वही जाके ये डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो फिर डेटा एनकैप्सुलेशन से आपको कौन क्या मिलता है? आपका डेटा सिक्योर हो जाता है, आपका डेटा आप हाइड कर पाते हो आउटसाइड वर्ल्ड से। सो ये हो गया आपका डेटा एनकैप्सुलेशन। एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब के क्या, देखो एब्स्ट्रैक्शन मतलब के क्या, आपको सिर्फ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वही डिस्प्ले करनी है, आपको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आपको जो भी बैकग्राउंड डिटेल्स है या कोई एक्सप्लेनेशन होगा उसको डिटेल उसको क्या करना है, उसको प्रोवाइड नहीं करना है। तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स वॉट? Abstraction refers to the act of representing essential information, or you can say essential features, without including background details and explanation. Let's take an example of a car. है ना, आपको पता है कार में क्या होते हैं? ब्रेक्स होते हैं, एक्सेलरेटर होता है। हमको ये पता है कि जब हम कार का ब्रेक दबाते हैं तो क्या होता है, आपका कार जो है जहाँ पे है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। जब आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हो तो क्या होता है, आपके कार का स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। हमको पता है कि ब्रेक से कार जो है, गाड़ी जो है वो स्टॉप हो जाएगी और एक्सेलरेटर से उसका स्पीड बढ़ेगा। पर हमको ये नहीं पता कि जब आप ब्रेक दबाते हो तो एक्चुअल में इंटरनली कार के अंदर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसमें कौन सा मैकेनिज्म है जिससे कि कार एक्चुअल में स्टॉप हो जाती है। करेक्ट। और सेम वे जब हम कार का जो स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि इंटरनली क्या हो रहा है वहाँ पे। तो फिर क्या हो गया, आपको क्या पता है? सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए उतनी, आपको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता। इसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन। और एक एग्जाम्पल लेती हूँ, चलो एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट ले लिया, देखो ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स डिपार्टमेंट है और एक है लेट से अकाउंट डिपार्टमेंट। ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या करना होता है, प्रोडक्ट को सेल करना। और अकाउंट का काम क्या है, जो भी अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको मेंटेन करना। जब अकाउंट वालों को कितने सेल्स हुए इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ काउंट लेंगे कि इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे सेल हुए, है ना। ये अकाउंट्स वाले सेल्स वालों को ये नहीं पूछेंगे, और सेल्स वालों भी क्या करेंगे, उनको सिर्फ लेट से 50 यूनिट सेल हुए उतने ही इन्फॉर्मेशन देंगे। वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि उन्होंने वो 50 यूनिट्स को सेल करने के लिए क्या क्या करा, कौन कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ किए, क्या क्या करेक्शंस की उनके पॉलिसीज़ में, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ किए, ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स को नहीं देगा, वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही देगा। इसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्शन।
ओके तो ओओपी में एब्स्ट्रैक्शन जो फीचर है, जो कॉन्सेप्ट है, कौन यूज करता है? एब्स्ट्रैक्शन फीचर ओओपी में क्लास यूज करता है. देखो क्लास कैसे यूज करेगा ओओपी एब्स्ट्रैक्शन फीचर. देखो ये हो गया मेरा क्लास, यही यूज करता है ना, क्लास हो गया. हमको पता है कि क्लास में क्या होता है, डेटा होता है, उसको ही डेटा मेंबर्स बोलते हैं. एंड क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसको बोला जाता है मेंबर फंक्शन. ओके तो फिर क्लास में डेटा मेंबर्स है, लेट से ये D1, D2, D3, D3 अप टू DN तक डेटा मेंबर्स है. और यहाँ पे फंक्शंस है F1, F2, F3, F4, ठीक है. ये हो गए डेटा मेंबर्स, मतलब मेंबर फंक्शंस क्लास के. ये क्या हुए, डेटा मेंबर. और इसको ही क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स. सो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, देखो ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये जो डेटा मेंबर्स है, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट. ओके कहाँ पे यूज होता है, क्लास यूज करता है ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट. तो कैसे यूज करता है, जो भी क्लास के एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स को ही डेटा मेंबर बोलते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. मतलब कि कैसे, देखो अगर यूजर को कोई फंक्शंस, ये क्या है, मैंने फंक्शंस लिखे, ये फंक्शंस क्या करते हैं, यही ये जो चार फंक्शंस लिखे हैं यही जाके ये DN तक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट. तो फिर ये फंक्शन वन जो है वो सिर्फ डेटा वन को यूज कर रहा है, ये फंक्शन फोर जो है वो जाके D3 को यूज कर रहा है, ये डेटा मेंबर लेट से D1 और D2 को यूज कर रहा है, ठीक है. तो फिर क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, उसको सब अवेलेबल है, वो दो ही को मतलब ये दो डेटा मेंबर्स को यूज करके ये कोई तो भी टास्क कर रहा होगा, ये भी ये डेटा थ्री को यूज करके कोई तो भी टास्क कर रहा होगा, है ना. तो फिर जब यूज़र कॉल ये फंक्शन को कॉल करता है, मतलब जो भी टास्क है वो कॉल करता है, तो उसको क्या मिलता है, सिर्फ ये दोनों एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, उसको ये बाकी के एट्रीब्यूट्स नहीं मिलते, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है. उसको क्या चाहिए, वो यूज़र को क्या चाहिए, सिर्फ D1 और D2 ही चाहिए, उसको D3 से लेकर DN तक ज़रूरत नहीं. सेम फॉर दिस, जो भी यूज़र ये फंक्शन यूज़ कर रहा है उसको क्या लग रहा है, उसको सिर्फ D3 लग रहा है, उसको D1, D2 अब तो DN तक के कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो फिर क्या, जो भी यूज़र है उसको सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है ना, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. उसको वो बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन, मतलब उसको बाकी के कौन से एट्रीब्यूट्स है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, और उसको डिस्प्ले हो भी नहीं रहा. तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन. देखो कौन यूज़ कर रहा है, क्लास यूज़ करता है, और क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास के डेटा मेंबर्स होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. यूज़र को जितने चाहिए, जो चाहिए उतने ही मिलते हैं, बाकी के नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, है ना. इसको क्या बोला जाता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन. और ये क्लास है ना जो ओओपी में क्या करता है, ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, इसीलिए क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलते हैं. क्लास क्या है, आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. Abstraction refers to the act of representing essential features without including background details or explanation. This is what your data abstraction. Okay, ये class use करता है data abstraction. ठीक है, तो फिर देखो confuse मत करो data encapsulation and data abstraction में, दोनों भी अलग अलग concept है. Data encapsulation में क्या होता है, आपके एक यूनिट में आपका डेटा और जो कुछ भी फंक्शंस है उसको लिखा जाता है, और वो यूनिट को बोला जाता है क्लास, है ना. और डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपके जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं मतलब कि क्या, जितने एट्रीब्यूट्स की नीड है वही एट्रीब्यूट्स यूजर को मिलेंगे, बाकी के एट्रीब्यूट्स जो नॉट नीडेड है, नॉट नेसेसरी है, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. यह है डेटा एब्स्ट्रैक्शन,
ये एग्जाम्पल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, और डेटा एनकैप्सुलेशन ये है, एक यूनिट में आप डेटा और फंक्शंस को पुट करो तो इससे क्या मिल जाता, आपका डेटा हाइड हो जाता है। ठीक है, डोंट कन्फ्यूज बिटवीन डेटा एनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like my video, please like, subscribe and share.